आमतौर पर शादी के बाद एक दूसरे को गंभीरता से जानने और प्रेम पूर्ण समय बिताने के लिए दूल्हा दुल्हन हनीमून टूर पर निकलते हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर जिले का एक युवक शादी के अगले दिन ही नई नवेली दुल्हन को छोड़कर लापता हो गया था। बताया गया कि दो दिनों तक मोबाइल स्विच ऑफ कर युवक एक जगह से दूसरे जगह टहलते रहा। आखिरकार तीसरे दिन उसने एक ऐसी गलती कर दी जिससे उसकी लोकेशन पुलिस को मिल गई और उसे आरा स्टेशन से बरामद किया गया है। उसके मिल जाने से परिवार में खुशी की लहर है। लेकिन आपको बता दें कि मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर की है, जहां शाही आदित्य एक बैंक में कार्यरत है। उसकी शादी 4 फरवरी को होती है, लेकिन शादी के अगले दिन ही आदित्य के लापता हो जाता है, जिसके बाद परिजन थाना को सूचित करते हैं। फिर पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर देती है और 36 घंटे के अंदर पुलिस युवक को सकुशल आरा में ट्रेन से बरामद कर लेती है। 7 फरवरी 2024 को इनका वादी द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि उनके जो पुत्र हैं वो गायब हैं 6:30 बजे के पश्चात। तो उसके आधार पर अहियापुर थाना में कांड संख्या 174/24 दर्ज की गई थी और तब से पुलिस एक्टिव थी। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के अनुसरण और सहायक पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया था और टीम उसी दिन से गंभीरता से काम कर रही थी और महज 36 घंटे में इनकी हमने बरामदगी की है। और उक्त विशेष टीम में प्रभावी जिला सूचना इकाई एवं थानाध्यक्ष अहियापुर की टीम ने काम किया है, क्योंकि मामला अहियापुर थाना क्षेत्र का था और गठित टीम ने काफ़ी मेहनत से काम किया है, जिसमें काफ़ी CCTV फुटेज खंगाले गए, CDR का अवलोकन किया गया, ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भी काम किया गया और महज 36 घंटे के अंदर इनकी हमने बरामदगी की है और ये आज हमारे साथ हैं। अभी कहाँ से बरामद की ये हमने आरा से की है। क्या रीजन था सर जाने का? इनका जाने का जब हमने का बयान लिया, अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स किया, तो इनके द्वारा बताया गया था कि ये इनके कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसके कारण ये थोड़ा सा टेंस थे और थोड़ा डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, इसलिए घर से चले गए थे बिना बताए। तो ये इनके द्वारा बताया गया है। और इसमें विशेष रूप से अहियापुर जो SHO हैं और उनकी टीम है वो बधाई के पात्र हैं और उनके लिए बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया है कुशलतापूर्वक। उनके लिए SSP सर से हम पुरस्कार के लिए भी अनुशंसा करेंगे। इस मामले में अच्छा काम किया है टीम ने और सारा मामला SSP सर के निर्देशन और नेतृत्व में चल रहा था। क्या शादी से कुछ नहीं थे? ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी व्यक्तिगत जिंदगी है, उस पर हमें कुछ नहीं बोलना है, उनकी पर्सनल लाइफ है। बट ये उनके पर्सनल, किसी को भी कोई भी समस्या हो सकती है, तो उसके कारण वो चले गए। आरा में कहाँ पे थे, किसके साथ? आरा में अकेले थे और ट्रेन में इनको पुलिस टीम ने इनकी लोकेशन के आधार पर इनको उनके पास पहुँची और इनको वहाँ से इनसे कॉन्टेक्ट स्थापित किया और वहाँ से इनको लेके आए। स्वतः चले गए थे सर ये? हाँ, ये स्वतः चले गए थे। और बैरिया से पैसे की निकासी हुई थी, ये किया थे या कोई और भी किया थे? बैरिया से पैसे की निकासी इनके द्वारा ही की गई थी, वो भी सत्यापित कर ली गई है। आपको बता रहे हैं, मैंने बहुत सारी CCTV फुटेज यहाँ से वहाँ तक की खंगाली हैं, जहाँ से गए पूरा काफ़ी मेहनत की है पुलिस ने इसमें, जिसके लिए पुलिस टीम विशेषकर जो SHO हैं उनके नेतृत्व में जो लोग गए थे वो सब बधाई के पात्र हैं इसमें।